मेरी बात कहा के पल्ले पड़ेगी। इन ब्रजवासी में मुख फेर रहे हैं, सरस्वती के शिष्य उद्धव और या ब्रज में गमारण के यहाँ भेज रहे हैं। बड़े आश्चर्य की बात है, अरे कब बुद्धानंद की सभा में भेजते तो मैं वहां साक्षात पे उनको परास्त करके आते और यहाँ महाराज से कृपा नाम से पुरस्कार प्राप्त करते। पर वह ग्वालियर ग्वालियर को कहा पेश करूंगा, जा भूमि पे वृक्ष करील ही है, खारी जल कूप जहां सिखरा रहे, बंदर उत्पात करे जहां पे और गाड़ी दे के लोग बुला रहे। ऐसे भाड़िया देश को जो बैठक में ज्यादा मान बढ़ाने वहां संत बन या उद्धव खेल वाह वाह मथुरा नाथ वाह गजब धन्य है। अभी बचपने की सी आदत गई है, जाओ तब तुम संत है क्या कि मैं संत है क्या हो। जय श्री कृष्ण अरे का उद्धव जी है का। हाँ जी मैं तो यूँ कह रही कि आज दो दो कृष्ण यानी दो दो चंद्रमा मुझको कैसे दिखाई दे रहे हैं, ये सब मैं कहाँ देख रही हूँ। ओहो मथुरा नाथ को पूरे श्रृंगार कर रखे है और ऐसे लग रहे हो जैसे मथुरा नाथ ही हो। मैं तो देख के आश्चर्य करने लग गई। उद्धव जी एक छोटी सी बात पूछूं, कभी वैष्णवों को सूचित किया जाता है जो राजबिहारी की भेंट जो होती थी वो भेंट नहीं होकर के ये आपकी आ रही है, सभी को नौछावर ठाकुर जी को करनी है वो आपकी की थाली में डालें और शांति से जैसे आप बैठे हैं वैसे ही बैठे रहे, बड़ा आनंद आएगा। जिनको भी भेंट देनी है वो आरती की थाली में डाल रहे हैं। उद्धव जी हाँ जी कहो, एक बात पूछूं आप बुरो तो नहीं मानोगे। बुरो मानने की क्या बात है, तो ब्रज पूजा है बुरो का। वो तो मैंने सुनी है कि सुनियत उद्धव लिए संदेशो तुम गोकुल को जा। मैंने सुनी है कि आप ब्रज को जा रहे हो और ब्रज को जो जा रहे हो बहुत विशेष कार्य से जा रहे हो। मैंने सुनी है कि मथुरा नाथ आपको विशेष रूप से भेज रहे हैं, ये सत्य है? हाँ सत्य तो है, क्योंकि सेवक तो यहाँ बहुत हैं। आप उनके अनन्य प्रेमी हो, अनन्य सेवक हो, उनके साथ में बैठ गए बारे खाए गए पीने बारे हो, तो यानी आपको एक विशेष व्यक्ति के रूप में मथुरा नाथ ब्रज को भेज रहे हैं, ये सत्य है ना? अब जब जा ही रहे हो तो पाछे कर गोपी से कहियो एक हमारी बात। मथुरा नाथ को जो संदेशो है जा तुम लेकर के जा रहे हो वाकु तो आप सुनाओगे, लेकिन एक छोटो सो संदेश मेरो भी कह दियो। थोड़ा सा भोजन भी मंगवा दो, खीर बनी है बहुत सुंदर। उद्धव जी हाँ बहुत देर रह गई द्वारका मथुरा नाथ के पास। हाँ ना ना बैठो तो ऐसी जल्दी कोई ना, आज ना तो कल चले जाइए, भोजन पाओ पानी पियो विश्राम करो, ये आपको ही मैं विश्राम करवा जाओगे झुकोगे नहीं, तुम्हें पता है ना ना रात तो घर की है, रात तो रोज की हमारे रोज की चलते रहे रात और दिन तो ये तो सब चलते रहे। तो देखो कनक दही माखन के कारण थोड़ी सी ने आगे ले जाओ बात की, जब श्री कृष्ण मथुरा से पहले वृंदावन में ब्रज में हे ने कुल बातों को भी याद करो। तनक दही थोड़े से दही के काजे छतिया बर छाछ पे नाच नचामे, तनक दही माखन के कारण वो यशोदा त्रास दिखावे जो मैया बने हैं उनकी, और तुम सब हंस बांधन को दौड़ी तुम्हें नेक शर्मनाए आवर। उनसे पूछियो तो सही जाएगी, तुम अज्ञान को उपदेश करवे जा रहे हो कहा करवे जा रहे हो, ये दो बात हमारी पूछ ली हो पूछ लो ना, पूछूंगा जरूर। उनको पूछियो उन दिनान को कैसे भूल गई। हाँ 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 एक माखन को लोथरा
छोटे से कन्हैया माखन मिश्री खाए बारे में 100 दही खा लियो। कितना खाए हो? 1 चुल्लू दही। और भाई के ऊपर यशोदा कितना वापस त्रास दे रही है, रस्सी में सो बांध में की कही और रस्सी भी कहां पे आई, ये जितनी रो रही है ना सब बनाव की रो रही है मेरी सौ। जो कोई प्रेम ना करे कृष्ण सो, अरे जान दे जो गई जो गई जो रह भाई तो देख लो हम पे कमजोर थो रही है। मेरे मेलन में तो आवाज खूब जाएगी, खूब गड़गड़ाती नारियल है आप। अब जब यशोदा बांधवे को दौड़ी तो नेक ध्यान करो, वही गोपी जो आज रो रही हैं, हाय कृष्ण हाय प्राण हाय नाथ हाय रमण पृष्ठ पास पास माँ बुझे, जो आज रो रही हैं, रस्सी जेवरा ले लेके आई रस्सी। सुनी तुमने ना सुनी? तो तुम बनो श्रोता, मैं बनू वक्ता, मैं सुनाऊ तुम्हें। अजी श्रोता ही बन के बैठे हूँ। हाँ, रस्सी जेवरा ले लेके आई मेरी सौ दिन को शरम ना आई, और उन रस्सी से कृष्ण को माखन के लूटरा को बंधवाए के और झूठ में बैठा दिया मेरी सौतन ने। अब रोमे हाय कृष्ण वही कृष्ण को बंधवा जब ना आई ना शरम लाज ना आई। अरे कछु कहो तो सही, आनी चाहिए कि ना? आनी चाहिए। फिर अब क्यों रोमे? अब क्या मैं तुमसे पूछ रही हूँ, अब क्या रो मैं? अब मैं उनसे पूछूंगा जाके। तुम नहीं पूछोगे? तुम तो जैसे दबे दबे मथुरा नाथ के पास में रो ना, ऐसे ही दबे मैं कह रही हूँ ना, कड़क के बात कर रही हूँ। ठीक है जी। हाँ, मथुरा नाथ भेज रहे हैं, कोई हंसी खेल नहीं है। जाओ संदेश से ले जाए के उनसे कह दी हूँ, रो मैं नहीं किसी के लिए। तनक दही माखन के कारण आज से पहले जब मथुरा नाथ या मथुरा में नहीं है तो वह समय मेरी कैसी दशा है? फलन माह जो करी तुमरी ले घूरे पे डारी, माली पारी लगा रहे वन कोई बीज कड़वो गिर जाए तो कड़वी लौकी की बेल लग जाए है। फलन माह जो करी तुमरी ले भूरे पे डारी, तो माली के काम की तो रहना है, क्योंकि वह कड़वे लौकी कड़वे फल आने हैं, तो माली का करे वह उखाड़ के भूरे पे डाल दे। अब जब वो हाथ परी कारीगर के तो बाजत राग यदि कोई कारीगर के हाथ में पड़ जाए कड़वी लौकी कड़वी तुमरी तो कैसे कैसे साज बना रहा है। सारंगी है, सितार है, तानपुरा है, वायलन है, ऐसे ऐसे सुंदर साज बनावे। और वह कड़वी लौकी को नाम कहा पड़ गयो राग दुलारी। हाँ जी हाँ, जामे सो राग अलापे जाए रापा मा पड़ गया मापा जब राग अलापे जाए वापस नाम कड़वी लौकी सो फिर पड़ गयो राग दुलारी। राग दुलारी ऐसे तन टेढ़ो तन टेढ़ो मेरो सब जग जाने, मैं परसत भई अधिकारी, मैं तीन जगह सो तेरी ध्यान दीजो, तीन जगह सो का नाम है मेरो त्रिकरा मोसो सब त्रिकरा कहके बोले है। और जैसे आप जा रहे हो ना और कोई अपनी यात्रा को जा रहे हो तो और सामने तो यदि वो देख ले तो जैसे आपने देखो है तो वो काका तो लौट के घर आ जाए। क्यों? आज सामने से कुबजा आ गई, आज हमारा कार्य सिद्ध नहीं हो।
यानी इतना मेरा प्रूफ मुख को देखते हैं लोगों के काम बिगड़ जाए हैं। तो ऐसे ही जब श्याम सुंदर कारीगर जब श्याम सुंदर को हाथ लगो तो मैं कहा बनी गई राज दुलारी। राज दुलारी दोस्तों बोलो राज दुलारी कहा बन गई बहनों में राज दुलारी तो सुनने लग गई। थोड़ी सी बात है अरे है मेरी कमजोर दिन इतनी तुम तो नहीं है तो नहीं है तो तुम्हारे भाग्य में सुन तो आई पहले तो तुम्हारे पास है कई प्यारे घर मानते घर में तो श्री कृष्ण आ गए तो उनकी आदत को तुमने क्यों नहीं सुधारो पहले से वो बिगाड़ के अब गोपो पहले अरे पहले से वो बिगाड़ के अब गोपो सतना तो वही तो फल तो तुम्हें मिले है अब काय करो में काय अवस्था में इन सब बातों को कह दिए ठीक है ना जो आ गया अब जाओ मैं एक बात और कह दूं अब जब तुम इन बातों को कहोगे तो फिर वो कहेंगे कि गुर्जर ने ये सब बात कही है तो उनको कह दिए ना कि मोसो बगैर हो प्यार न तुमसी मेरी ख्वाहिश पति बनाया तो मैं तो प्यारी मेरी प्यारी नहीं है बात में कृष्ण मेरे हैं मैं कृष्ण की हूँ मैं कौन हूँ राज दुलारी कृष्ण मेरे हैं मैं कृष्ण की हूँ अब तुम तो पति पुत्र निभाई ही देखो तन मन सो हम परे केवल कृष्ण तुम सब तो ये कर चुकी ही अब तक तो ये भरपार करो अब तीसरो उनके कह दी थी जब दो तो भरपार कर लिए तो कोई तीसरो कर ले चाहे तुम आए अब क्या मचा रहे हैं श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण चाहे को रो रहे हैं कह दी ना इन सब बातों को ठीक है ना कभी चिंता सी में पड़ रहे हैं।
मैं सोच रहा हूँ इन बातों को जमा जमा के ना ना तुम कभी जल्दी ना आए कहीं कर करके तो इन सब बातों को कह दोगे ना बिल्कुल कह दो हाँ बिल्कुल गलत पूरा मत ये खुल जाकर एक बात और कह रहा हूँ ये ध्यान दे लियो श्री कृष्ण ने जो कहो है चाहे वाय सब भूल जाइए ठीक है ना चाहे एक भी बात पर मत कहियो हर समय तेरु ही नाम कृष्ण 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 हाय कृष्ण हाय रटती रहे कन्हैया और भैया तिर हो है बाबा जो कि तू बुढ़ापे की लकड़िया हो आज का बुढ़ापे में कन्हैया तू आज का हाथ उड़ के चले गयो तेरे हृदय में है पागल हो गई है भैया मैया को तो कछु नहीं पता है कि क्या कर लो है कि क्या नहीं कर लो हर समय भोजन की थाली लेके डोले है माखन हाथ में लेके डोले है अरे कन्हैया आ जा के मैंने माखन निकाल लियो है और ये आ जा तारी की माखन खा जा परंतु भैया वह तुझको बुला बुला के निराश है जाए अरे तू हमारी नहीं सुने तू आप जाती को अवश्य सुन ले ले कन्हैया ये प्रज तेरे बिधल भैया तू वो ही जा रहे हो आए थी आपको उबार कन्हैया और हमारी सुध ले ले भैया और भैया धवल मुकु आज ऐसो प्रतीत होए कि मुकु आज ऐसो लगो कि कहो हमारो कन्हैया ही हमारे पास आ रहे हो भैया मेरे कछु ये मन के और भैया यही सोचू कि अब तो वह मथुरा में जाएंगे राजा और महाराजा है गए हम ग्वालिया दबार गैया को चढ़ावे बारे भैया क्योंकि वाले हमारे संग गैया चढ़ाई हमारी संग खेलो हमने बापे गैया चढ़वाई ना ऐसे लगे है कि वो यही वजह से हमको संपु छोड़ के चले गए है हम बापू कहन पकड़ के घोड़ा बनाते भैया और भैया बापू हम आते हुए फिर यही वजह से वे हमको छोड़ के चले गए है और भैया यह बापू बासी रोटी और बासू माकन भैया देती बापू अब तू वहां 56 प्रकार के भोजन कर रहे हो अब वह हमको खाए को याद करे वो भैया कन्हैया तेरे सभी बात अपनी पिसार गई है हमसो माने एक दिन आनंद बाबा के पास खाई के सबको बिठार की कहो वासो कही हमने कि कन्हैया तुम ऐसो नहीं हो कि तू हमको छोड़ के चले हो जाए तो माने बाबा की सोबत खाई के माने हमसो कहो कि भैया मधुमंगल तुम ऐसी वचन मत कहो मैं तुमसे सत्य कह रहे हो कि ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरी जीवन प्राण इन्हें तनक ना बिसारो मोई नंद बाबा की आज कन्हैया तेरे वल्लभ की सोबत गाय की हमसो बाबा के सामने सलमत कहो कि तुमको नहीं बिसारो तू बिसारने की बात कर रहे हो अरे तेरे पहले पिवायो ब्रजवासी को अमृत और अब तू हमें बिसरवा गए हो पहले Yeah.
तो कहो जना पूछना रे कहो जना सट्टा सुनावो कहो जना खादा सुनावो अनेक तरह के विघ्न तुम्हारे बीच में आते रहे याद है जब तक कन्हैया ये आ रहे हो की हारी हारी बात कर रहे हो अरे बापू पानी हम सबको विसार दियो है अरे कोई बात नहीं है यदि आपको हमारी याद आती ना एक आध वर्ष में दो चार वर्ष में कबू सबूतों ने हमको दर्शन दे जानो माने यम सु गयो है और वहाँ वह पूजा मिली है तब से वाले हमारी गोल लौट के देखो ही ना है कि हम कैसे रह रहे हैं ये लता पता ये वापी बात देख देख के सूख गई जब नाजी यहाँ बहती आज वहाँ बह रही है भैया ये सब वही की बात निहार निहार के सब किनारों पर रही अब मधुमंगल मुख माँ यशोदा ते बाबा नंद ते इनसो हूँ मिलो है इनसो कन्हैया की कुशलाप के लिए आपा छे मुख भुजंग नाम सो हूँ मिलो है देवी इनसो मिल के उनको कन्हैया की कुशलाप सुना के उनकी कुशलाप लेके मुख मथुरा नाथ के समीप मथुरा नाथ की सेवा में पहुँचनो है तो भैया लेके माता यशोदा ते बाबा नंद ते और मिलाए तो ठीक है भैया तुम मैया बाबा को घर पूछ रहे हो अरे यहाँ सब जाने हैं मैया के घर को ये तू देख रहे हो ना ये मोरी जो आ रही है हाँ ये मोरी जो आपके बह के आ रही है ना भैया और जब जा मोरी के किनारे किनारे जाइयो और ये मोरी जहाँ जाए के खत्म है जाए समझ लियो वही नंद बाबा यशोदा को घर आ गए हो ये उनकी आसुन की ही मोरी बाबा नंद भवन में सो भैया लेकर के आ रही है चल तो ले चल उनकी हालत ऐसी है चलो भैया अभी तक नहीं आए हो आवे गो मुझसे माफी मांगे गो मैया तुमको बड़ी जोश से भूख लग रही है माफी मांगे चलो मैं लाला की ताई माफर बाबा को कछु मेवा पकवान मिष्ठान कछु बढ़ाए जाता अरे यार कन्हैया मेरी गोदी में आवे जा
देख ले भैया, देख भैया की कैसी दशा है रही है। हर समय अपनी दरवाजे पे बैठी रहेगा के काजी थार लगाए के कि कब मेरो लाडलो काना तनुआ आवे हो, मैं बाबू कब भूषण कराऊंगी। देख भैया कि यह भावरी है गई है, बाबू हर समय ऐसी ही बुलाती रही भैया। देख कैसी है रही है भैया। मेरी लाडले मेरी छोला चल कैसो मोड़ो है कैसो धूम चल रहे हो अमिता मेरी गोद में मेरी छोला कृष्ण कृष्ण अरे तेरे मिला है मेरी प्राण कैसे रहेंगे कन्हैया। माँ कन्हैया नहीं माँ, मैं तुम्हारे बेला को मित्र हूँ उद्धव। तेरी कन्हैया को मित्र उद्धव बेटा, उद्धव मेरे कन्हैया नहीं आया। कन्हैया नहीं आया माँ, मैं उनकी कुशलात लेके आयो हूँ। हरि कान कहो सुन जसुदा लाला ने कहे कि मेरी मैया को समझा दीनो दो चार गना पीछे मैं और हलधर यानी राम श्याम दोनों ही भैया यहाँ आए। मुरली वेद पिसान देखियो श्रृंगी वेद और एक बात और कही है काना ने कहो है मैया सो समझाए के कहियो मेरी मुरली मेरी बेन मेरा कोई खिलौना चकडोरी आग काऊ को आंगन में परो न छोड़े कहूं ऐसो ना हो कोई गोपी आवे ग्वाल आवे वा कुछ चुराए के ले जाए अपने दुपट्टा में गोपी तुम काय के ले जाओ मैया को पतो ही ना पड़े इन्हें संभाल के दर दीजो। जागन सो तुम सो छुरे को न कहे कन्हैया को और बड़ो प्रश्न का नाम
खाना कहे मासो कहियो, मैंने जात नाशो बजते यहाँ मथुरा में आयो हूँ। अपने हाथ से दूध दुह के मुँह में घाप नहीं चोखी, यानी गैया नहीं चोखी, प्रातः जगते ही खलेऊ नहीं कियो। वो मेरी मैया ही कराती जगाती, माखन को कटोरा हाथ में लेके, बासी रोटी हाथ में लेके तब ही जगाती, लाला जग और जगते ही खवा देती। तो प्रार्थना कियो खलेऊ मैंने, साँझ न चोखी गैया, और जागन ते तुम ते बिछड़ो मुते कावन न कही करे, जाते तुम ते बिछड़ गयो, प्यार को नाम कन्हैया बाते कावने नहीं दियो। सब मथुरा नाथ कहे, कपा नाथ कहे, जय जय कहे, पर कन्हैया कोई नहीं कहे। मैया तुम्हारे यह कन्हैया नाम सुनने के लिए मथुरा नाथ के कान तरस गए। कहो कहियो नंद बाबासु, अरे बाबा कौन ठुर मन कीनो, सुर हई पहुँचाए मधुपुरी, तेरे को नाम मलियो। बाबा आप सो कही कन्हैया ने, और कही नंद बाबा थे, कहा कि बड़ा कठोर मन कीनो, आपने ऐसो कठोर मन कर लियो कि कन्हैया की याद ही ना आई आपको। सूर श्याम पहुंचाए मधुपुरी, बहुत संदेश न लियो, आप क्यों भूले बाबा, आप तो लोग कम है गया कन्हैया के प्रति, आप एक हो बाबा। मथुरा जय के यो देख के न आई कि कन्हैया कैसो, ये शिकायत आपको लाला ने करिए। खुद करत गोपाल हमारी, तू जग नंद पैर कम से, अरे जग में तारी बात चूक पड़ी है वाले, ताव के पछतारे सदी की माखन
अब वासो मथुरा में कोई माँ करती नहीं है। बेचारा तुम मथुरा ले चले मैं देव की वासुदेव से कहूंगी मैं तुम्हारी लाला की माँ नहीं हूँ। मैं तो भाई की शरण में मैं रही रहूंगी। बेटा मैं बात करने आती कम से कम अपनी हाथों को या तो करूंगी अपनी हाथ को माकन रही तो कमाऊंगी। बहुत तो कह रहे हो कि मेरे खिलौना को संभाल के धरके रख। अरे लाला जब लाले से तो देख रहे हो जब कन्हैया यहाँ नहीं कर रहे हो तो यहाँ गोपीन की भीड़ लगी रही। बेटा अब तो यहाँ कोई आ नहीं रही है। अब तो बेटा मुकू ये देख ये सामने जो देख रहे हो ये चंदन चौकी यहाँ पे बैठ के वह कन्हैया को स्नान कराया करे। बेटा मैं बाबा बुलाए के पकड़ के स्नान कराया करे। जब वो स्नान नहीं करा तो बाबू में मना के कहता कि वह की बेटी को छोड़ दे। और देख ये जो सामने देख रहे हो ये बाकी सैया है या सैया पर वो बैठ के बेटा नित्य प्रति मुझसे कहो करे हो कि मैया वो को नींद नहीं आ रही। मैया वो को कोई कहानी सुना रहे कोई डोरी सुना रहे। बेटा मैं बापू ब्याह सगाई की झूठी साझी बात कह कह के बापू वायो कर। बेटा अब उन सब को देख के मेरे हृदय में आग लगे। बेटा अब मैं टोल पुकार कन्हैया कन्हैया कह के बेटा परी मजधार भरी पापद के भार नहीं बलली पतवार तावे टूटी सी वह हैया परवर बिन पार न बहूंग सूनी मावस की या मैं भोर की तरैया मैंने एक नहीं डर जा देर भी सुनर धीर देश धर हो बिन बचरा की गैया अब यस जग दे तो मेरा मथुरा जाऊं और वाकिल की सुन लड़ूंगी। मेरी छात मैंने आज तक माखन नहीं दिया। ये संसार जाने की यशोदा कौन है। मैं तो वासुदेव की माँ हूँ। माँ काम देव की मुंह को रोक लेगी। हाँ आपको कोई नहीं रोक सके। या को कारण विशेष ये है माखन न देवे को
कहो जब एक आध बार ऐसा भयो तो माखन कन्हैया को प्रिय है, यह सोच के देवकी मैया ने माखन उनके भोजन थारी में धर दियो। पर माखन को देखते ही वो हिलकी ले लेके रोने लगे और कई समय तक उन्हें भोजन नहीं किया वह माखन की याद में। बस तुम्हारी याद आती रही, मैया के माखन की याद आती रही। यही लिए महारानी देवकी जी ने उनके भोजन थाली में माखन देवो बंद कर दियो। ताही दिन सो माखन नहीं दे, क्योंकि कहूं दिन तक भोजन नहीं करेगा लाला। ये सोच के माखन नहीं दे तो माखन तो आपको ही अधिकार है। वाके काजे माखन मिश्री वाको बहो अच्छो लगे में प्रातः काल उठते ही मैं वाके काजे माखन मिश्री धर्यो करे है कन्हैया कलियो कर जा और जा तो कहिया चाहे जी कहीं विचार। हाँ मुकु याद आया पिता, एक दिना तो मैंने वह माखन के पुतला को उखल को आए धूप में वो बेचारा उखल से बंधे हो रहे। अब मैं जा रही गई वो रिश है गए तभी तो वो मथुरा चले गए वो कुछ छोड़ के। पिता मेरी ये बड़ी गलती भाई जो मैंने अपने लाला को उखल से बांधे नंगे पामन सो वापस कहिया चढ़वाऊं बेटा। बेटा बात तो कह दीजो, अब ये कार्य मैं नहीं करवाऊंगी बेटा, तुमको नहीं तो दुख नहीं दूंगी। पर एक बार तो ब्रज में आ जा कन्हैया, एक बार ब्रज में आ जा। अब मैं ब्रजांगना से मिलिया हूं और आप उचित समझो तो अपने यहाँ हाथ को माखन एक दोहनी में धर दीजो ताकू में ले जाऊ। सुन लिया मैं तो अपनी धोनी धोनी में लग गई बेटा, तू आए हो मैं तेरी काजी भोजन चलाऊ बेटा। जा जमुना जी के किनारे बिचारे सभी ब्रजगोपी तुम सुन लिया मैं तेरे काजे भोजन तैयार करूं। ठीक है माँ, आप मुझको भोजन बना लो मैं उनसे मिल आऊं। तो ये नंदगाम में मिलेंगी? नंदगाम में ये वाला बताओ कहाँ मिलेंगी भैया? बता तो खा रहे हैं खा रहे हैं बता भैया इसे नाएंगे इस समय डरते बाल 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 चलो भैया मैं तुमको बताऊं ब्रज गोपी और कसूरी जी कहां मिलेंगे आप। चलो भैया मां यशोदा भोजन बनाने लग गई उद्धव जी के पास और उद्धव जी नंदगांव की ओर बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। माँ यशोदा बाबा की खबर आई खुशी लेकर के, लेकिन मेरे भक्तों जब महान पुरुष आते हैं ध्यान देना, जब जीवन की ओर महान पुरुष आते हैं कि स्वयं श्याम सुंदर ही मथुरा से आ रहे हैं, यदि वो नहीं आने तो उनको कोई संदेश ही हमको प्राप्त हो। देखो 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 श्यामा जी, ये श्याम रंग का एक भोरा है जो कि हमारे ऊपर ही मंडरा रहा है। हमारे प्यारे प्रियतम श्री कृष्ण को भी तो रंग श्याम ही है, ऐसा ही श्याम रंग का भोरा ये बड़ी सुंदर भाषा बोल रहा है। और हरकत अंग सजल सजनी और अंचल फेरावे सूरदास ऐसो को जग में कि जो ना
संदेशो लाई के दे और संदेशो ही कहा हमको हमारे प्रियतम श्री कृष्ण सो कोई मिला दे तो वह परेशान हम जीवन भर नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि आज ऐसे सुंदर सुंदर सगुन हम तू है रहे हैं। हाँ बहनों, अरे बहनों कितने में ही दूर से अरे देखो तो सही, हमको तो ऐसा लगे हमारे प्रियतम श्री कृष्ण ही आ रहे हैं, क्योंकि जैसो रंग हमारे प्रियतम कृष्ण को है वैसो ये जो सामने सो आ रहे है, हमको लगे है कि माई कोई आवत है तन श्याम, तैसो ही मुकट पीत पट तैसो ही तैसे ही भूषण दान, ऐसो ही मुकुट है ऐसे ही वस्त्राभूषण है सब कछु ऐसो ही लगे श्याम सुंदर की ही उम्र को ये व्यक्ति है। जो जैसे तैसे उठ उठाई, चलो चलो भैया श्याम सुंदर ही आ रहे, जो जैसे तैसे उठ उठाई छा सकल बंधन में बंधे भाई हैं, वो यहाँ नहीं आएंगे, ये तो कोई और ही है। हे ब्रजदेवियों, मैं आपके चरण में प्रणाम करूं। ये नंददासी का भ्रमर गीत प्रारंभ है। श्रीमद् भागवत में जो राजा सुखदेव जी ने वर्णन किया है उसी का दूसरा रूप है, लेकिन वो संस्कृत में और ये परिभाषा था। तो एक एक शब्द आप लोग स्मरण करना। प्रेम भुजार स्वरूप उपजावन सुख पुण्य सुंदर श्याम विलासिनी नव वृंदावन कुंज सुनो संदेश कहने के लिए मैं आपके पास आया हूं। कहने समय एकांत में कहना चाहूं, वे अवसर मिले ही नहीं। हे गोपियों, तुम ध्यान देके अपने अपने तन के संदेश को सुनो। सुनत श्याम को धरती सुध भूमि श्याम सुंदर के संदेश अर्घासन रे धार बहु परिणाम। उद्धव जी, आपने अपना नाम उद्धव बताओ, कृष्ण के आप मित्र हैं, संदेश लेके आए हैं, तो प्राण प्रिय आभुरे कहा करे सत्कार, आसन हो हम पे ये फाटे चीर हमार। कैसे स्वागत करें उद्धव जी, या बन में
आपके लिए कोई आसन हो नहीं है, परंतु फिर भी आप हमारे इन खटे हुए बचपन पर विराजमान हो। अर्घासन बैठाए बहुत परिक्रम मारी, कुशल राम और राम कुशल सब संगी उनके, जर कुल सगरे कुशल करम आनंद है सब मे, दूहन जग कुशलात को भट और कुमती, अर्ज में थोड़े दिन रहे जनी हो अधी सुनो जनारी। आपके राम और श्याम दोनों भैया बड़े आनंद में, और सुनो उनके संगी साथी जो है, जो भी उनके संगी साथी हैं, उनके चाचा ताऊ आग भैया भतीजे जो है सब कुशल है, यदगुरु के परम मंगल है, पूछन रज कुशलात को, आपकी कुशलात लेवे के लिए मुरबू कान्हा ने आपके पास भेजो है मथुरा नाथ ने। पूछन बज कुशलात को हो पठयो तुम तीर, मिले हैं थोड़े दिन में, ज्यादा दिन को समय नहीं है, मिले हैं थोड़े दिन में जिए चन हो धीर। सुनो ब्रज नागरी आप चिंता मत करो कछु ही दिन बस शाम मिलवे वाले, सुन मोहन संदेश रूप सुमिरन सुमृत राम कमल सुन कर उद्धव जी ने देखा ते जल छीक प्रबोध ही उद्धव बेन सुनाए, सुनो ब्रज नागरी उद्धव जी ने जल जल सभी को चेतना दिलाई और सभी भूतियां खड़ी हुई और अपने प्रीतम के सुंदर प्रकार का उद्धव जी दे रहे हैं भूतियों के बीच में। हे गोपियो इतनी अधीर मत हो, देखो तुम्हारे लाला ने तुम्हारे प्रियतम ने तुम्हारे लिए पाती भेजी है, या पत्र का फूल हो हमारे लिए पत्र का लाए हो लाओ, पाती ये मधुवन पे आए उधो हरि के परम सनेही नयन पे और काहू कंठ लगाई बहरों फिर उद्धव को दिए करो बात सुनाई। लो बहनों हमारे प्रियतम के पत्र का है, हमारे प्रियतम ने अपने हाथ में लिखी है ये पाती, सत्य कह रहे हो पर उद्धव आप देख रहे हो यदि हम पाती को हम अपने नियंत्रण से लगा रहे हैं तो आसन से ले चले हैं। मन में और यदि हम आपको अपने हृदय से लगा रहे हैं
तो बुरे आदमी के कारण ये पता चले है हम कोई भी बेटी आगे पढ़ नहीं पा रहे जाने अब वासी जो चुप जगाओ आसन कर समाध ध्यान धारते ब्रह्म सोम प्रकाश लास रस बरसाओगी ऐसी चित लाओगी तो सुख में समाओगी मुक्ति पद पाओगी हमारे पास आओगी ये लिख रहे या मैं अष्टांग हाँ योग के विषय में लिखो है आप समझ लो और समझ के जो चीज समझ में नहीं आ रहा है तुम मोते पूछो मैं वापस समझाऊंगा या मैं यही है नारायण को ध्यान करो अच्छा 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 जी आपने वापी लाइट दे दी आपने बड़ा हमारे ऊपर उपकार किया आप राजा जो अभी आप पाती को थोड़ा हम समझ लें या मैं कहा लिखो है क्यों लिखो है कैसे लिखो हाँ भाई ने सुना हे किशोरी जी आप तो जानो हम सब तो अनपढ़ हैं पढ़ी लिखी नहीं है उद्धव जी ने तो कहा हम समझ नहीं पाए अभी आप ही पढ़ के हमें सुनाओ गड़ जाए आओ सखी पाती सुनो ये जो लिखी ब्रजराज योग करो संत जो कहते सखियों या मैं लिख रही है हे ब्रजगोपियों तुम सब योग करो और अपने अपने भूषण तज दो हाय देखो या बात कुल लिखने में प्यारे श्याम सुंदर को लेके लाज नहीं आई कहा लिख रहे श्यामा जी वस्त्र बदन को त्याग के योग करें हम योगिन बन जाएं बड़े बेटे हो गए अरे मेरे मोही नंदलाल है मोही दशरथ लाल वो इनके ही अवतार से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का कितना सुंदर अवतार है जो कि अपनी पत्नी सीता जी के वियोग में हे भगवन तोहे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता रहने बन बन में डोल रहे हैं पक्षी से पूछ रहे हैं पत्नी के वियोग में भूखे प्यासे भटक रहे हैं और इनको देखो कितने निठुर कितने निठुर रह गए हम सब को फिर त्याग के और मथुरा को चले गए आज हमारी दशा ये आखिरी आजीनी पर पंथ निहार निहार जीवनिया चले परे कोई कृष्ण पुकार हमारे कृष्ण आ रहे हैं कृष्ण आ रहे हैं आंख झीनी पड़ गई और जीव में छाले पड़ गए कृष्ण कृष्ण पुकारते पुकारते लेकिन आज तक वो निचोड़ नहीं आए और आए तो उनके सखा आए और संदेशों का लाए कि बचपन को तज दे दो हाय हाय इनको धिक्कार है ये सच कह देते हैं बच्चा बर्तन को त्याग दो यानी बाबा जी बन जाओ निर्वस्त्र हो भभूति लगा लो अरे उठो अरे उठो कैसी ले आया पाती आहा ये रही कैसी ले आया पाती और ये पाती कुम जागो की जो जाती शीतल शादी पाती बाजत प्राण थकत है जो लोहे की गाती अरे सूर श्याम को कैसी कुम जा जाको श्याम सहादी ये पत्र का श्याम सुंदर ने ना है उद्धव ये तो मेरी सौत और उजाने भेज है उजाने करीब है तो ही नाम तो करीब है
लेके आए हो। श्याम को संदेशो सुनो, उद्धव जी मेरी सुनो। श्याम को संदेशो उद्धव पापी लेके आए हो रे। अरे पापी तो उठाए ले, देखो मैं तुमने हां मैं देखे हो सबके लिए पाती तो उठाए ली, छाती से लगाए ली, घूंघट की ओट दे उदो समझायो रे, उजड़ी बसा गई और बसी उजाड़ गई, तुम जा पटरानी पीनी कोई ना सुहारे। अरे उदो जी एक ही बात कहियो वा हर जीते जाए, अरे जीवत खसम किन फसम रमायो रे। ऐसे पूछियो जाए कैसे हम सुंदर दे, यदि आप हो श्याम ना भेजो हूँ तो जिनके पति जीवित हैं उनने कब कब भस्मी रमाई है शरीर पे। और सुनो पत्नी कहा प्यारे श्याम सुंदर ने हमको पत्र पठायो, एक पत्र का पठाई है। ठीक है उद्धव जी भेजो लियो, हम लियो धार शीश पे, पढ़ो है परे को चेरी कौन की कहानी, अश्वन की माला ले जपे मित्र कृष्णा लोचन के खप्पर लेके क्या उधा मांगे। उद्धव जी एती बात हरजू सो कहियो जाए, अरे उद्धव जी एती ब्रज बाला मृगशाला कहां पावेंगे। उद्धव जी सुनो उद्धव जी मेरी सुनो, ना उद्धव जी मेरी सुनो, ये बताओ हम इतनी ब्रज वाला है, इतने संसार में मृग नहीं है, सुन रहे हो ना, हम जितनी ब्रज वाला है 300 करोड़, अब इतने संसार में मृग नहीं है जो कि मृगशाला लेते और हम बाबा दर्शन के भस्मी रमाते और योगी साधना करें। आप सुनो कौन की लिखी है पाती, कौन पे पटाई तुम, कौन और काती आई, काती भी मानव काती पहचान, जानवर रसरास नंदन सो कौन सी के ज्ञान, और को भूलो अब अपमान है, कौन सारा मोन और ज्ञान दरवट है, कौन काके ने सुरन होते, अब हम जाने तुम दीवानी बाबा खूब लिखी कर आए पर मच्छर के समान। सुनो इतने बड़े बड़े भी आए पर मच्छर के समान, सुन रहे हो तुम्हें, हाँ मच्छर हो ना ये। आप एक बात ध्यान कर लो, ये जो संदेश आप सुना रहे हो ये श्याम सुंदर को नहीं सुना रहे, वो मेरी सोच को उपजा कर सुना रहे। सुनो हाँ अब मैं कहूँ, अरे अरे कछु कह रही है बहुत जल्दी, अरे उद्धव जी मैं तो ये कहूँ कि जो तुम मिल जाती वो मेरी सौ पूजा, जो तुम मिल जाती मथुरा वृंदावन के बीच तो बीच में पछार खाते मोई मोई मारती, पकड़ ले जाती यशोदा जी के पास कारा नौकर ब्रज बाहर निकालती, हाथन सो नोच नोच और लातन सो मार मार, कुबड़ी को ऊपर चले जाने मारती। सुनो सुनो श्याम तन श्याम मन श्यामी हमारो दल आठू या मुदो, हमें श्यामी सो काम है, श्याम ये श्याम दिए श्याम नहीं दिए, आधे किसी लागरी आधार मन श्याम है, श्याम गति श्याम मति श्याम ही हमारा प्राण पति, श्याम सुखदाई सु भलाई सुवा काम है, उद्धव जी तुम भई बोले पाती लेके आए डोरे, योग तारा किया राम राम श्याम है। अरे सुनो दर्दी हमारी सुनो, सुनो दर्दी हमारी सुनो, अरे हमारी सुनो, अरे मैं तुम्हारी तो सुन ही रहे हो पर तुम तो मेरी सुनो, तुम्हारी ना अरे हमारी सुनो उद्धव जी। जय श्री कृष्ण। उद्धव जी प्रीत कर काऊ सुख ना ले, प्रीत करके काऊ ने प्यारे श्याम सुंदर से सुख नहीं पाए, प्रीत कर काऊ सुख ना ले, प्रीत पतंग करी दी बक्सो अपना तन जो दो, सारंग प्रीत करी जो नान सो,
सन्मुख वाणी सहो हम जो प्रीत करी माधव सो चलत न कछु कहो सूरदास हम क्यों पछता में सूरदास है प्रीत कठिन है कापर जात सो हे उद्धव तुमको पतो है प्यारी श्याम सुंदर सो प्रीत करके काऊ ने सुख नहीं पायो का मेरी सोच में कुंजा हमारी प्यारी श्याम सुंदर को अपने वापो जाल में फसाई के और हमको इन पत्रन ने लिख लिख के भिजवा रही है आवे सर्वस लूट मारो लूनो राज कुबरी पावे तापे एक सुनोरी अगुन निखिल की योग पठावे सूर्य टिटिल कर जाती को निर्गुण वेद सुनावे अब है गई आपकी बात हमने उदय जी मेरी सुनो उदय जी मेरी अरे उत्तम जी अरे हमारी सुनो आज ही सुनाओ सुनो जो हरि प्राचा बचे हमारे जिए प्रीत बनी रही जो उदो बड़ो सुख ले हमें जो नीकी रहे मूर्त जो हमारे नाम की छाप लगी और अंतर भी जने ना कोई राधा कृष्ण सब कहे पर उपजा कृष्ण कहे ना कोई प्रीत न कीजे कारी इसकी वरी कारी इंदम दीत रणवी तीखी सान भरी कोहिल की सुत कागा पारी जाय कुटम भरी सूर श्याम कारी बतवारी कारी सुन काल भरे अब बोलू अब मैं कहूँ अपनी बात सुनो 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 मैं और सुन लो हाँ हाँ दस एक दिना को भयो नयो जत दारी जाने मार दारी नारी ऐसो लुठुल मुरारी है चोर भुज नारी जाने तिन हूँ मारी अन मिल हूँ मारी जो मिले ताई मारी है एरी चुल्लेरी चेरी तेरी जी कहती तू है रस रास आंख अस्वन बार परी हूँ पुकार दारी भिन्ना समारे तू है नारी मार भी हूँ कन्हैया नवल तलवार है जी मी सुनो सुनी सुनी बुदा सुनी सुनी बुदा आवत हुई यासी कहावे ब्रह्मा दिख की ठाकुर कहावे कंस की दासी इंद्र दिख की कौन चलावत शंकर करत खवासी निगम आदि कंद जन जाकी सीत इसकी वासी जाकी कमल रह निरंतर कौन गणे कुब जा जैसी सूरदास को जलकर माधे प्रेम पिंड की वासी वासी अब मैं कहूँ अपनी कछु हमारी हमारी सुनो तभी कहो 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 देवी अब मेरे तो मौन है उत्तम जी हाँ जी मैंने अपने मौन पे सुंदर पूरक दृष्टि पड़ी वकनिया सुंदर सुंदर मूरत दृष्टि परी तबते जी चंचल हो रहा है सोच संकोच सभी जो तजे और बोध कुबोध सभी जो सहा है रेन दिना वो नींद न आवे नैनन सो जल जात रहा है ताप कहे सब लाज करो अब लाग गई फिर लाज दुख क्या अखिया को सुख सिर झोरी ना दुखिया अखिया को सुख सिर Thank you.
अरे वो तुम तो नहीं हो ज्ञान की जड़ में चेतन में पृथ्वी में आकाश में जल में थल में सर्वो श्री कृष्ण व्याप्त है। तुम उनको एक ज्ञान की दृष्टि से तो देखो। कहा करे जी ज्ञान की दृष्टि से ये ज्ञान को श्री कृष्ण को पाए को ज्ञान मार्ग का रास्ता बता रहे हैं। जी सुनो ब्रह्म और जीव ब्रह्म और जीव आमने सामने है कोई फर्क नहीं है। फर्क है तो ब्रह्म और जीव के बीच में एक माया को पर्दा गिरो हुए या पर्दा को नेक हटाए दो तो ब्रह्म तुम्हारे सामने है तो वह ब्रह्मानंद को आनंद। सुनो गुप्ता जी आप हर दिन क्या नाम की बात मत करो हमारी दिल को प्रेम की बात करो प्रेम की। कौन ब्रह्म की Yeah.
उठायो और आप कह रहे हैं कि उनके शरण नहीं है, अग नहीं है, तो आप ही बताओ कि यहाँ बन बन में गैया बछड़ा चराई है, तो बताओ जब करण नहीं होते तो कन्हैया ने कैसे गैया बछड़ा चराया? आप चरा भी आएगा यहाँ गैया कौन ने चराई है? और जब आप नहीं है तो हम उनके आंगन में काजल लगाते हैं अपने हाथों से, और आज लोग में यहाँ काजर लगाए हो, तो बताओ जब आंख नहीं तो काजर हमने कहा आपके मुंह में लगाए हो? और खुदा जी आप कह रहे हैं उनके आत्माएं कब्र गिरिराज पर्वत का आपने आप उठायो, और आप कह रहे हो कि माता पिता ना है, तो नंद जी तो उनके पिता है और यशोदा मैया उनकी माता है। देखो मेरी सुनो, मेरी सुनो उद्धव जी, यहाँ तो उनके सब कछु हो या ब्रज में सब कछु हो, पर वह मथुरा में जाएगा कछु ना रहे हो, तो हमें पता होगा। गोपियों ये तुम्हारो भ्रम है, ये तुम्हारो भ्रम है, कछु समझो और जाए कहाँ तुम योग, वही योग है। हाँ, हाँ, और योग करने पर
सृष्टि है, जो शेष है और वो सृष्टि है, और यागो जो पालन कर रहे हैं ना, जागो तुम कह रहे हो ज्ञान के द्वारा देखो, और ज्ञान देखो, ये ज्ञान जो है ये आपका धूल के समान है, धूल धूल के समान, ज्ञान तुम्हारा धूल के समान है, या ज्ञान रूपी धूल है हमारे प्रेम रूपी अमृत में काय लपेट रहे हो। देखो इन हाथन बांधो हतो, हम जो तुम्हारा पान, अरे उदो दाता कहते हैं पर ब्रह्म भगवान, अरे उदो अपने इन हाथन सो हमने कन्हैया को बांधो, यशोदा मैया के संग बांधो, यशोदा मैया के संग उकल सो, तो बताओ जब आपके हाथ ही ना आते तो कहाँ बांधो, उकल ही बांधो बस, ज्ञान सो नहीं हम आपको प्रेम सो जाने हैं, प्रेम रूपी अमृत में ज्ञान रूपी धूल को मतलब हुई।
ये कर्म भूमि है। कर्म भूमि जो जस करे जो तस बनता था। धन लाभ जीवन मरण यश अपजस विधि विधाता के भी हाथ है पर विधि यानी युक्ति के भी हाथ है। हाँ हानि विधाता के हाथ है पर हानि में हम तोलेंगे नहीं परेशान नहीं होंगे ये तो हमारे हाथ है। हाँ लाभ लाभ विधाता के हाथ है पर लाभ को शुभ बना देना ये हमारे हाथ है। है कि नहीं वह लाभ कहूँ दान धर्म में लगा के हम शुभ बना देना ये हमारे हाथ है। हाँ लाभ जीवन जीवन परमात्मा के हाथ है पर वह जीवन को अपने आनंद में है के जीवो जीवो ये हमारे हाथ का है। वो क्यों नहीं जीनो ये कर्म कर्म करके जियो जाए। अरे कर्म पापी और कर्म लो सोने अच्छा ब्रह्मा का रह जाएगा। अच्छा तो अच्छा जो भी स्वरूप को ध्यान करते करते ये जीव पर जो भी नहीं समा जाएगा। अच्छा मैं करके देखू मैं वर्ण भी करके देखू तुम्हारा जो ब्रह्म मिल जाएगा योग के द्वारा मिल जाएगा। आपने कही कि वस्त्र भूषण त्याग के योग करो अब मैं योग कर रही हूँ लेकिन मैं कर तो नहीं हमको जवाब दे का योग करे से मिल जाएगा। गोपियों परमात्मा कोई साकार स्वरूप नहीं है जो तुम्हारी खोरिया में आ जाए।
कछु धीरे धीरे कर रहे। हम जो पूछ रही है बात में बताओ, सीधे सीधे सब कर रहे। हम योग करें तो तुम्हारा परमात्मा मिल जाएगा। जन्म में नहीं मिले तो अगले में मिलेगा, और वाहु बना मिले तो अगले में मिलेगा। और करते रहो, और हम करके देखूंगे करूंगी। जो हरि जो में भजे भगत निज रूप ही जाने, प्रेम पुरुष ने प्रगट श्याम सुंदर रूपाए। निर्गुण योग करूंगा तो घड़ी घड़ी करूं कि बैठ में करूं? घड़ी घड़ी कैसे जाएगा? जैसे आप बताओ तो सही। घड़ी कैसे जाएगा? बैठो। मैंने सुनिए, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा ठाड़े हैं कि एक काम पे कोई अंगूठा पे कोई उल्टा कोई सूदो ऐसे योग करें, कोई ऐसी क्रिया हो या बैठ के कर लो। अच्छा बैठ के फिर क्या करना है? अच्छा बैठ कर लो, अच्छा जब बंद हो जाएगा तो दिखे कोई कहा है? चलो मैं देख ये बाहर के चरण चक्षु से नहीं, भीतर के चक्षु से। अच्छा अच्छा, भीतर के चक्षु खोल के दोनों भों के बीच में ज्योति स्वरूप को मैं ध्यान करूं। अब वो मिल जाए तो वो मिल जाएंगे। हां भाई मेरे तो आप कहेंगे तो आपको तो सही नहीं है। तो कैसे बैठ जाऊं? हां बदमाश चंद्र आएगा। बदमाश तुम्हारी वृत्ति चित्त की वृत्ति को एकाग्र करके तब नारायण को ध्यान कियो जाए ज्योति स्वरूप। अरे श्री कृष्ण आपको ब्रह्म ज्योति स्वरूप में नजर आएंगे। अरे यदि ऐसे नजर आते तो फिर हम साकार को क्यों मानते? अच्छा सगुण साकार निर्गुण निराकार इनमें अंतर क्या है? जब निर्गुण निराकार को नाम तुमने निर्गुण रख दियो, समझने वाली बात है। जब तुम जाको निराकार कह रहे हो, फिर पग चले सुने बिन गाना, कर बिन कर्म करे बदनाना, आना रहे तो सकल रस भोगी बिन वाणी बत्ता बड़। तुम बता रहे हो जब वाको नाम कहा है ये हमारे राधा
गोविंद, ये जुगल सरकार तुम्हारे मथुरानाथ जुगल सरकार के स्वरूप में आपके सामने खड़े हैं, जो के जिनके हाथ पामना है। अब देख लो, हाथ भी है पाम भी है, सब कछु है। यहाँ बंसी बजा रहे हैं हाथ में, प्रेम के द्वारा मिल रहे हैं, ज्ञान के द्वारा लाए। जय राधे। बड़े प्यार से बोले सभी वैष्णव, मेरा पर्वत बड़ी बड़ी हरी हरी प्रिया प्रिया के नाम नाम सब बोले। कछु ब्रज वंदिता प्रेम की, बोलत रस भरे बेन, सुनो नंद लाडले मथुरा नाथ राधे राधे। हंस रहे आपको आपको माखन आपको माखन हाँ खा दो जे आपकी बंसी है और जे आपकी कमरिया है और जे मेरी लंबी डंडो करुणा में और रसिकता तुम्हारी सब झूठी, जमीनों में लगी कभी करते हैं, परंतु आज तो साष्टांग प्रणाम कर रहे हो, ये कैसे प्रणाम करी है आज आपने? महापुरुष तो संदेश लेके आया हूँ तो आए चुरी पिचुरी सिकित, जैसे ही मैं पहुंचो जबते कोई ना दिख रही वहाँ, और जैसे ही मैंने आपको नाम लियो तो चारों बगल के पुण्य मामू घेर लियो, और जब मैंने आपकी बात उनसे कहबो चाहो कहनो चाह रहे हो, एक लाइन ही कही, एक लाइन कही, इतने हाँ एक ही बात कही, इतने में ही महार की तरह ततैया की तरह मेरे ऊपर राय पड़ी गोपी। हे नाथ आए जुरी पिजुरी सी किते और केतन प्रेम कथा दो बाजी, ऊधो सुनो तुम मोए खेचे लगी, ओके मेरी सुनो, ओके मेरी सुनो, इत्ते के मेरी सुनो, ऊधो सुनो तुम, ऊधो सुनो तुम, ऊधो सुनो तुम, ये दुन बाजी ठाकुर चित्त की भित यही, ब्रजबन तन की भक्ति सिर नाची, हार हमें ये कहनी पड़ी, तुम साची हो साची हो साची हो। अपने मुख को यही लेना पड़ो और जो उनके पीछे छुड़ा के मैं चलो, तो महाराज जैसे ने कागे करो तो ब्रजवासी ने नंदगांव के ने कोई धोती को पकड़ के खेचे, कोई मटका को पकड़ के खेचे, नंदगांव के ने मेरी दुर्गति कर दे, वो कह के हमारी और सुनो भैया तुम कह ले तो का कह रहे हो, तो लाला कैसे बताऊं, वो कह रहे हो नंदगांव को देखी सुनी ना गुनी ना गुनी, यदवंश पुनीत की नीत भली है, पहरों घेर गई कुमरी, भई सुत सरे मथुरा की गली, कैसे भई विंद की मर्जी, न बरात सजी न बजी ढपली है, जीत भली घनश्याम भली, ननिहाल में ससुराल मिली है। ये नंदगांव को कह रहे हैं एक दूसरा और आगे लट्ठे लगे, वो क्या कह रहे हैं? अरे भैया वो मुझे लड़के लग गए आए के, तो गए छोड़ हमें जा जाते मथुरा को, तादर के देखे ने नंद को द्वारा, सारत है मीठे मीठे बोल वो हृदय में, कहत हो तीन भे में तास होते हैं। कहियो घनश्याम दीवान एक बात और कान में कही, और मेरे कान खींच लियो भैया, वाने कान में कही, कहियो घनश्याम ते निभाहे नेह नीकी भात, तेरे बूढ़े रे मात पिता नेक मन में तो बिचारो, अरे कुबरी दासी पे सामो भवो हो तू, अरे यार क्यों बदनाम करे नाम हमारा। ये वाने कही तो ऐसे भैया
बहुत बनने कहिए और मैं तो कन्हैया सच्ची बात मेरे हृदय की बताऊं तो मुख तो ब्रज में जाके मालूम पड़ी कि तुम्हारा बड़ो निठुर स्वभाव है। तो मैं तो कहूँ हे श्री कृष्ण चलो चलो अभी चलो चलो श्याम ब्रह्मा नजर करी ब्रजवासियों के अलग है गए तो तेरो देह सने सब डूब जाएगा सब मिट जाएगा तो कहां करोगे ब्रज में कहां रह जाओगे पूरे खंडन काल रह जाओगे ब्रजवासी न रहेंगे तो आपको वो सत्य न रहे उधो भैया अब तुम मेरे लायक अरे उधो आज तुम मेरे लायक बने हो देख जा गुरु को मैं चेला हो ना वही गुरु को चेला आज तू बनो है आज पे हम तुम दोनों गुरु भाई है उन्हीं ब्रज की गोपिन के प्रेम को चेला मैं हूँ और उन्हीं श्री राधा रानी के प्रेम को चेला आज तू बनो है आज तुम मेरे लायक बनो है उद्धव सारा प्रेम शिक्षा मिले जहाँ ताही गुरुद्वारे बीच दियो तू पटवाई है मैं जो सिखा तो सीखता तो न ऐसो ढंग जैसो अब सीख आयो तेरे भाग की बड़ाई मैं ये हूँ जानू यदि मैं टोकू या प्रेम को समझा तो ना तो संभव है कि तेरी समझ में नहीं आता और आयो हूँ नहीं हो तू तो मोसो यूँ कह रहे हो कि आप तो ब्रह्म हो आप तो रो रहे हो आपको तो कोई मोह ही नहीं है कोई माया ही नहीं होनी चाहिए परंतु उन गोपिन के ही सिखाए मोसो आज तू सीखो है जो मोसो कह रहे हो कि उन ब्रजवासी को आप क्यों रोवा रहे हो उद्धव तेरे काम की कहा चले वो ब्रजवासी तो वो प्रेमी है कि स्वयं तेरे पूर्ण ब्रह्म के कान को हूँ पकड़ के घोड़ा बना दे और उन ब्रजवासी में भैया ने कहो अंतर और देख तू ये मत समझे कि मैं अपने ब्रजवासी से कभी दूर रह सकूं मैं ब्रजवासी सो भैया एक पल भर हूँ कभी दूर नहीं रह सकूं हूँ क्योंकि मैंने एक बार अपने ब्रजवासी सो कही ही कि ब्रजवासी बल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण तुम्हें न तनक विचार हो मोहनंद बाबा की ब्रजवासी तो मेरे प्राण है भैया मैं अपने ब्रजवासी को और अपने प्यारे ब्रज को तो कभी एक पल भर हूँ नहीं छोड़ सकूं तू देख ले चाहे है ना देख तेने मेरे दर्शन ब्रज में किए होंगे ये ऐसी नहीं उद्धव तेने मेरे दर्शन ब्रज में किए ना हाँ तो मैं ब्रज से दूर नहीं हूँ अब तू मेरे ब्रज के दर्शन यहाँ मथुरा में कर मेरा ब्रज हूँ मोसो दूर नहीं है गोपी रूप दिखाए तब मोहन मन
जय हो प्रभु जय हो। ये ब्रजराज मथुरा नाथ अब ब्रजराज हो गए। हमारे ब्रज के ठाकुर मथुरा तक गए ही नहीं, हमारे भक्तन को मालूम तो यही है। अब पहले हम आचार्य जी से निवेदन करें, आगे ठाकुर जी को आरती उतारे, नजर उतारे लला की। प्रथम आचार्य श्री वाक्य पश्चात समस्त वैष्णव जो ठाकुर जी को भेंट कराना चाहे अपने हाथ में सो, जो ठाकुर जी को काले सुबह 5:30 बजे पुरुषोत्तम महायज्ञ सभी वैष्णव पुरुषोत्तम महायज्ञ में शामिल रहेंगे। शाम को 4 बजे नंद महल में सभी बाबा पधारेंगे। वहां नंदोत्सव होगा, वहां नीचे एक करोड़ दो देर के दर्शन करके मुकाम पे वापस आना है। अब क्या दिन रह गए, 15 दिन रह गए। अरे थोड़ा थोड़ा सब करेंगे तो ठाकुर जी की तपेली हो जाएगी, मीठा मुंह हो जाएगा। Oh,